गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैसेल्फ अंपोल रवि कुमार, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन पीसीएम। दशम श्रेणी रो समस्त छात्र छात्री मान को आज ऑनलाइन शिक्षा दान कार्यक्रम को स्वागत। आज आम मैथमेटिक्स रो ज्योमेट्री पार्ट रो फर्स्ट चैप्टर सिमिलारिटी इन ज्योमेट्री रो टॉपिक होची थ्योरम ऑन ट्रायंगल सिमिलारिटी 4। त्रिभुज सदृश संपर्कित उपपाद्य थ्योरम ऑन ट्रायंगल सिमिलारिटी। वर्तमान आम त्रिभुज दुईटी मध्यरे सदृश संबंधी शर्त को युक्तिमूलक भावे प्रमाण करिबा। उपपाद्य 4, गोटे त्रिभुजर तीन कोण अन्य एक त्रिभुजर अनुरूप कोण सह सर्वसम हेले त्रिभुज दुईटी सदृश होंती। बुझिपारछन्ति पिलाने? इफ दि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंग्रुएंट टू दि करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। माने देखंतु वर्तमान आम भल भाव बुझंतु एही उपपाद्य को, गोटे त्रिभुजर तीनो कोण अन्य एक त्रिभुजर अनुरूप तीनो कोण सहित सर्वसम हेले। बुझिपारछन्ति ना? एटा होछि दत्त। तमें आम दत्तर कौन लिख पारा? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ मध्ये एंगल ए सर्वसम एंगल डी, एंगल बी सर्वसम एंगल ई एवं एंगल सी सर्वसम एंगल एफ। बुझिपारछन्ति ना? ताहले आम कौन प्रमाण करूछि? त्रिभुज एबीसी इज सिमिलर टू त्रिभुज डीईएफ। बुझिपारछन्ति पिलाने? हेले बर्तमान चित्र करवा। उपपाद्य पय चित्र होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विदाउट फिगर देर इज नो क्रेडिट विल बी गिवन टू यू। बुझिपारछन्ति ना? उपपाद्य रे चित्र होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चित्र देखंतु, लक्ष्य करंतु, त्रिभुज एबीसी गोटे त्रिभुज, सेहिपरि त्रिभुज डीईएफ गोटे आउ गोटे त्रिभुज। यही दुईट त्रिभुज आम लक्ष्य करवा। दत्तर कौन लिखवा? लिखनी पाने त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डीईएफ मध्य एंगल ए रो अनुरूप कोण एंगल डी सर्वसम, सेहीपरी एंगल बी रो अनुरूप कोण एंगल ई मध्य सर्वसम एवं एंगल सी रो अनुरूप कोण एंगल एफ मध्य सर्वसम। ये लिखाई है, लिखनी त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डीएफ मध्ये एंगल ए इज कांग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल ई एवं एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल एफ। ताले हम कौन प्रमाण करवा? दुई त्रिभुज जाक सदृश बोले प्रमाण करवा। लेकिन हम तो प्रमाण ले कौन सीटा? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी सदृश त्रिभुज डीईएफ। अच्छा, यही उपपाद्यटी प्रमाण करवा पई हमको अंकन करवा पड़ो। देखंतु चित्र को लक्ष्य करंतु, आम अंकन रे कौन करवा? ए बी इज ग्रेटर देन डी। देखो चित्र लक्ष्य करंतु, ए बी इज ग्रेटर देन डी, तेणुक ए बी उपरे एक्स बिंदु निया जाओ जेपरिक ए एक्स बी गोटे सरल रेखा रोब एवं ए एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक अच्छे, एक्स वाई अंकन कराओ जेपरिक एक्स वाय समांतर बी सी, तमें कौन एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एवं ए वाई सी, ए वाई सी गोटे सरल रेखा रोब। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ अंकन। लेकिन यहाँ अंकन में मन कर ए बी ग्रेटर देन डी, ए बी उपरे एक्स बिंदु निया जाओ जेपरी ए डैश एक्स डैश बी एवं ए एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स वाई अंकन कर जाओ जेपरी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एवं ए डैश वाई डैश सी माने ए वाई सी गोटे सरल रेखा रे रहइबो। अच्छा, प्रमाण करवा। देखंतु प्रमाण रे आमे प्रथम नेबा एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई बी सी सहित समांतर अंकन रे अछि, हम अंकन रे नै छिटा तेन करे ब्रैकेट रे अंकन लिख नि हंतो। दैट इंप्लाइज एंगल ए एक्स वाई सर्वसम एंगल बी, ए एक्स वाई सर्वसम एंगल बी। चित्र को लक्ष्य करंतु, हला काई डाला कोन पे हिच माने देखंतु अनुरूप कोण एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी अछि, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी ओ ए बी जदि छेदक जदि हेबो ताले आमे ए एक्स वाई एंगल ए एक्स वाई को एंगल बी अनुरूप कोण कहि परबा। तेन करे आमे ए दुईटी कोण को सर्वसम लिखिते। दैट इंप्लाइज एंगल ए एक्स वाई इज सर्वसम एंगल ई बिकज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, एंगल बी सर्वसम एंगल ई। ये दत्तर अच्छे से बुझिपारे तेणुक आपको समीकरण एक कर। नेक्स्ट आसवा लिखु से प्रमाण कर एंगल ए वाई एक्स सर्वसम एंगल एफ। देखो चित्र को लक्ष्य करूँ, एंगल ए वाई एफ देखो, एंगल ए वाई एफ सर्वसम एंगल एफ। ठीक अच्छे, आपको समीकरण दुई करंतु। वर्तमान ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल डीएफ मध्ये, ट्रायंगल ए एफ वाई और ट्रायंगल डीएफ मध्ये एंगल ए एक्स वाई सर्वसम एंगल ई ए कौन जाए? देखो चित्र को लक्ष्य करंतु, एंगल ए एक्स वाई
इज इक्वल टू एंगल इ ठीक अच्छे यहाँ ए कौन चाहे एक रचा तेन कैर एंगल ए सर्वसम एंगल डी एटा दत्तर अच्छे बुझीपार ना एवं ए एक्स इज इक्वल टू डी एटा अंकन अच्छी तेणुक ब्राकेट अंकन लिखि देयरफॉर ट्रायंगल ए एक्स वाय सर्वसम ट्रायंगल डी एफ आगे ब्राकेट लिखि को बा सर्वसमानता मैंने कौन 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 बाहु सर्वसमानता एंगल एंगल साइड कांग्रेंस ओके दैट इम्प्लाइज ए वाय इज इक्वल टू डी एफ अनुरूप बाहुर दैर्घ्य समान होगा आपको समीकरण तीन कर ठीक अच्छे वर्तमान त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी अंकन अच्छे देखते एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी चित्र देखि दिखते एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी बुझीपारे ब्राकेट लिखि दिखुत अंकन दैट इम्प्लाइज आम वर्तमान उपपाद एक साहय ना उपपाद एक हूँ तेलीस उपाद्य बा मौलिक समानुपातिकता उपाद्य वेरी वेरी इंपोर्टेंट मुझे कही तुमको तेणुक से ही तेलीस उपाद्य तेलीस उपाद्य उपाद्य एक अनुसार आम लिखिपर ए बी बै ए एक्स इज इक्वल टू ए सी बै ए वाई चित्र देखो एक्स वाई पैरेलल टू बी सी अच्छे तेणुक आम लिखिपर ए बी बै ए एक्स इज इक्वल टू ए सी बै ए वाई उपाद्य एक अनुसार दैट इम्प्लाइज ए बी बै डी इज इक्वल टू ए सी बै डी एफ कहीं एक्स इज इक्वल डी अंकन अच्छे ए वाई इज इक्वल डी एफ तीन आम अलरेडी प्राप्त बुझल कि आपको समीकरण चार कर दिखते वर्तमान बी ए उपरे जेड बिंदु नहीं जेपरी बी जेड इज इक्वल टू ई डी एवं जेड बिंदु दे ए सी सह समांतर सरल रेखा जब अंकन करे आमे प्रमाण करा जाय पर जे ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय एफ बी ए उपरे जेड बिंदु नहीं एपरी एपटे कल नहीं कि सेपटे अन्य बाहु उपरे बुझिपारे ना सीट मध्य आम सेम बी ए उपरे जेड बिंदु नहीं बी जेड इज इक्वल टू ई जेड एवं जेड बिंदु दे ए सी सह समांतर सरल रेखा जब अंकन करे आम प्रमाण करा जाय पर कौन लिखिपर ए बी बै डी इज इक्वल टू बी सी बै ई एफ यहाँ तेलीस उपाध्य अनुसार आसो यटा को आगे समीकरण पाँच कर नि बर्तमान समीकरण चार और पाँच को जो लक्ष्य करूँ ए बी बै डी इज इक्वल टू ए सी बै डी एफ इज इक्वल टू बी सी बै ई एफ आपको समीकरण च कर दि वर्तमान त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ मध्य एंगल ए सर्वसम एंगल डी एंगल बी सर्वसम एंगल ई एंगल सी सर्वसम एंगल एफ दत्त अच्छा एवं अनुरूप बाहु मानकर दैर्घ्य समानुपाती नंबर सिक्स अच्छी पाइला बुझल कि अनुजाई सिक्स अनुजाए ठीक अच्छे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ प्रमाणित पूर्व क्लास में कहे दुईट त्रिभुज सदृश हेबार अच्छे मैंने दुईट कंडीशन दरकार आमको कौन कौन से दुईट कंडीशन गोटे बाहु मानकर दैर्घ्य समानुपाती हेबार अच्छे अनुरूप कौन सर्वसम होगा पड़ो ए दुईटा कंडीशन सैट्सफेला तेणुकर आम दुई त्रिभुज को सदृश बोलीपर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ए बी सी त्रिभुज सदृश डी एफ त्रिभुज प्रमाणित ठीक अच्छे जदि डी ग्रेटर देन ए बी हुए तेज डी उपर एक्स बिंदु नहीं अनुरूप भाव प्रमाण कर ठीक अच्छे गोटे टीका अच्छे लेकिन तो संक्षेप सदृश यही सर्त को को सदृश्य ए ए ए सिमिलारिटी माने को माने कौन 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 सदृश्य बा ए ए ए माने एंगल 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 सिमिलारिटी बोले कहा जाए बुझिपारे पे आज आम कौन शिखले आज आम उपपाद्य चार गोटे त्रिभुजर तीनोटी कौन अन्य त्रिभुजर अनुरूप कौन सब सर्वसम हेले त्रिभुज दुईट सदृश है बोली आम आज जानले ओके ठीक अच्छे पे आज ये थैंक्स फॉर वाचिंग ओके।